Hello, good morning dear friends. I am Karan Sahu and my dear friend, today's our topic is mouse. What is our topic today? Today's our topic is mouse. So my dear friend, let's continue. So my dear friend, now you have a question in your mind. What is mouse? Akhir mouse kya hai? What is mouse? So my dear friend, mouse is an input device. What is? Mouse is an input device developed by Douglas Engelbart. From whom? Developed by Douglas Engelbart. Mouse is an input device developed by Douglas Engelbart in the early 1960s. Kab? In the early 1960s. It is also known as pointing device. Hum mouse ko pointing device ke naam se bhi jante hain. That is mainly used to. Jiska upyog kya hota hai? That is mainly used to give instruction. Jiska upyog ज्यादातर क्या आप किसने करते हैं? अपन मेनली यूज मुख्य रूप से किस प्रयोग किस काम कार्य के लिए यूज करते हैं? सेलेक्ट करने के लिए, मूव करने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए, ओपन करने के लिए एंड क्लोज आइटम करने के लिए, किसी भी आइटम को क्लोज करने के लिए हम माउस का इस्तेमाल ज्यादातर करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, माउस बटन्स, माउस में कितने बटन होते हैं? चलो आप सबको पता है माउस में टोटल 3 बटन होते हैं। कौन कौन सा? लेफ्ट, राइट और बीच में आपका होता है स्क्रोल बटन। क्या होता है? लेफ्ट, राइट और बीच में होता है आपका स्क्रोल बटन। देयर आर थ्री बटन इन माउस, लेफ्ट बटन, स्क्रोल बटन, राइट बटन। ओके माय डियर फ्रेंड, सो नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ माउस? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ माउस? सो माय डियर फ्रेंड, मैनुअली ऑपरेटेड यूटिलिटी फॉर सेलेक्टिंग इक्विपमेंट। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ माउस? Manually operated utility for selecting equipment, that is the full form of mouse. So my dear friend, now you have a question, how many types of mouse? Mouse aake kitne prakar ke hote hain? So my dear friend, there are two types of mouse. First is wireless mouse and second is with wire. Do prakar mein hota hai mouse, hota hai ek wire hota hai jisme wire laga hota hai aisa lamba, aur second hota hai wireless, jisme mouse mein wire nahi laga hota, usme to usko kya bol kehte hain? Wireless माउस कहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ माउस। सो माय डियर फ्रेंड, नाउ यू हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड, हाउ वी यूज दिस थ्री बटन, लेफ्ट बटन, स्क्रॉल बटन, राइट बटन, हम इस तीनों बटन का यूज कैसे करते हैं? सो माय डियर फ्रेंड, लेफ्ट बटन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेस है। हम लेफ्ट बटन का उपयोग कब करते हैं? जब हमें माउस की कहीं पर जा करके क्या करना हो, किसी फोल्डर, कोई फोल्डर अगर हमारे स्क्रीन में बनी है, अगर यहाँ पे कोई फोल्डर बनी है राहुल नाम, ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस फोल्डर को यहाँ से हटा करके यहाँ लेके आना है। तो क्या करेंगे, इसमें इसको माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको खसकाते हुए यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है, और इसी फोल्डर को डायरेक्टली ओपन करना है। हमें क्या करना है, इसी फोल्डर को डायरेक्ट ओपन करना है। तो हम अपन क्या करेंगे, लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे टू टाइम्स, दो बार लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे और वो आपका फोल्डर आपके सामने होगा। या कोई भी ब्राउजर, कोई भी फोल्डर, कोई भी फाइल में आप डबल क्लिक करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, वो फाइल ओपन हो जाएगा। या कोई भी ब्राउजर, गूगल, कुछ भी क्रोम, इंटरनेट, कहीं पर भी आप डबल क्लिक करोगे तो आपका वो फाइल ओपन हो जाएगा, ठीक है। और क्या यूज करते हैं, जैसे कि हमने ये टाइप किया है, हमने ये कुछ वर्ड्स टाइप किए हैं और हम मुझे उसमें से ये दो वर्ड क्या करने हैं, सेलेक्ट करने हैं। क्या करने हैं, मुझे ये दो वर्ड सेलेक्ट करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, या तो यहाँ पे आपका कर्सर लाऊंगा और इसको ऐसे सेलेक्ट करके ऐसे ड्रैग करते हुए इसको सेलेक्ट कर लूंगा, इतने में ऐसे ड्रैग करूंगा और सेलेक्ट करूंगा, लेफ्ट बटन को प्रेस करके ड्रैग करूंगा और ये सेलेक्ट हो जाएगा। या तो फिर मैं क्या करूंगा, इसी जो वर्ड लिखा हुआ है इनपुट, इसके बीच में मैं कर्सर लाऊंगा, यहाँ पे टू टाइम्स क्लिक करूंगा, क्या करूंगा, टू टाइम्स क्लिक करूंगा, तो ये पूरा जो चार वर्ड्स हैं ये आपके सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और मुझे क्या करना है, ये पूरे होल पैराग्राफ जो मैंने लिखा है, फर्स्ट पैराग्राफ, ये पूरा पैराग्राफ मुझे क्या करना है, सेलेक्ट करना है एक साथ। तो मैं क्या करूंगा, किसी भी सेंटेंस के बीच में आप यहाँ पे तीन बार क्लिक करोगे, कितने बार क्लिक करोगे, तीन बार लेफ्ट बटन को प्रेस करोगे तो ये आपका होल क्या है, पैराग्राफ आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ओके माय डियर फ्रेंड, आई होप यू लाइक दिस एंड दिस वीडियो हेल्प यू एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू यूज ऑफ लेफ्ट बटन इन माउस की। ओके माय डियर फ्रेंड, सो लेट्स कंटिन्यू अनदर बटन ऑफ अब योर माउस। तो द अनदर वन इज स्क्रॉल बटन। सो स्क्रॉल बटन यूज कैसे करते हैं अपन? स्क्रॉल बटन का अपन कोई फाइल है या कुछ भी अनबॉक्स करने है, उसको ऊपर नीचे अप एंड डाउन, अप और डाउन करने के लिए अपन क्या करते हैं, स्क्रॉल बटन का यूज करते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड, नाउ यू हैव क्वेश्चन इन
लास्ट वन राइट बटन, हम राइट बटन का यूज कैसे करते हैं? तो राइट बटन का यूज क्यों करते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने फोल्डर ओपन करके रखा है, ठीक है, ये बोल्डर को मैं जो यहाँ से ड्रैग करके यहाँ जाना मैं करूँगा लेफ्ट बटन प्रेस करूँगा, इसको डबल इसको ओपन करना क्या करूँगा मैं डबल क्लिक करूँगा तो लेफ्ट बटन तो ओपन हो जाएगा, बट मुझे इसमें मैं राइट बटन प्रेस करूँगा, अगर मैं यहाँ पे राइट बटन प्रेस करूँगा तो वहाँ पर मुझे कुछ ऑप्शन आएंगे कि इसे मुझे कॉपी करनी है या कट करनी है या न्यू फाइल लेनी है या डिलीट करनी है, ठीक है, या कौन से फाइल में किस चीज़ में इसको ओपन करना है, ऐसे आपको आपके सामने क्या हो जाएगा मेन्यू बार, आपके सामने एक मेन्यू बार शो हो जाएगा जिसमें आपको ये फोल्डर को क्या करनी है वो आपके बारे में आपको उसके बारे में बताएगा, या तो फिर आप अगर कहीं पे भी आपके स्क्रीन में कहीं पे भी आप राइट बटन प्रेस करते हो तो उसमें क्या हो जाएगा आपका वो ऑप्शन देंगे आपको रिफ्रेश करना है, न्यू फाइल लेनी है, न्यू फोल्डर बनानी है, क्या करनी है, सब कुछ आपको वहाँ पे राइट बटन में आपको ऑप्शन मतलब नजर आएंगे। ओके माय डियर फ्रेंड, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट एंड यू अंडरस्टैंड वेरी वेल द यूज ऑफ माउस एंड दिस थ्री कीज राइट लेफ्ट एंड स्क्रोल बटन एंड यू ऑल्सो नो हु डेवलप दिस माउस एंड वेन इट वॉज डेवलप सो वेन इट वॉज डेवलप 1916 एंड हु डेवलप डगलस इल्बर्ट बर्ड। ओके माय डियर फ्रेंड, सो माय डियर फ्रेंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू लाइक दिस वीडियो मस्ट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।